क्या आपने कभी वोट दिया है? क्या आपको पता है कि भारत में कौन सी संवैधानिक संस्थाएं इसके प्रति जिम्मेवार होती हैं? तो नमस्कार, मैं अमित अंबस्त आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक इलेक्शन कमीशन लेकर आए हैं। तो आज हम लोग इलेक्शन कमीशन को समझते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे लोकसभा के इलेक्शन अभी चल रहे हैं, कुछ राज्यों में इनफैक्ट हो चुके हैं, कुछ राज्य में भी चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन के बारे में आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उसका क्या होता है फ्रेंड्स, कैसे रिमूवल, कैसे वर्किंग, कैसे क्या क्वालिफिकेशन होता है, टेन्योर होता है, तो इन सारे चीज़ों को आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आइए इलेक्शन कमीशन को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक, पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे कि इट इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। इसका मतलब हो गया कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, ये परमानेंट बॉडी है, दैट मींस कि ये डिसॉल्व नहीं हो सकता, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसका मतलब हो गया कि ये नाइदर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। कहने का मतलब, नाइदर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ओवर दिस इलेक्शन कमीशन। अब आइए इसका सेकंड जो पॉइंट हम लोग यहां पर लिखा है, वो लिख रहा है कि फ्रेंड्स, ये इंश्योर करता है फ्री और फेयर इलेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री। कहने का मतलब, बिल्कुल ही करप्शन फ्री और एक जायज तरीके से चुनाव कराना इसका मुख्य कामों में से एक है। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं, ये ऑल इंडिया बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन इन द सेंट्रल लेवल that is parliament and the state level that is legislative assembly। ये एक अखिल भारतीय संस्था हो गया friends, कि center पे भी काम करती है और state पे भी काम करती है, and is common for both of all, और ये common होता है दोनों के लिए। ठीक है, अगर central government, center की बात करें तो MPs का जो चुनाव होता है, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसके लिए responsibility election commission का होता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप state की बात करें, member of legislative assembly का अगर चुनाव होता है, उसके लिए भी responsibility किसकी होती है, election commission की। अब आइए यहाँ पर एक बहुत ही एक्सेप्शनल बात है, यहाँ पर नोट आप इसको समझ लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन इन पंचायती राज एज वेल एज म्यूनिसिपैलिटीज। कहने का मतलब, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपैलिटीज का जो इलेक्शन होता है, मैं पहले बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन, सॉरी मैं पहले बता दूँ कि जो पंचायत म्यूनिसिपैलिटी है 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और उसमें यह है फ्रेंड्स कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का अगर कोई भी इलेक्शन होना है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बल्कि उसके लिए एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखें कि सारे जितने भी पार्लियामेंट का हो या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उन सारों का इलेक्शन कमीशन को कराना है, लेकिन अगर पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज की बात आए तो वहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन है। ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन इनका चुनाव नहीं कराती है। अब आइए, अब मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बताया था कि हम लोग आज इलेक्शन कमीशन में इसके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक वैधता, संवैधानिक क्या इसका महत्व है उसको समझेंगे, किस आर्टिकल में ये मेंशन है हमारे संविधान का। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 324 में मेंशन है। ठीक है, अब 324 में मेंशन है, और यहाँ पर 324 आर्टिकल क्या कहता है, तो फ्रेंड्स 324 आर्टिकल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, SDC। ठीक है, बताऊं ये SDC मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप मेंस राइटिंग करेंगे या फिर कहीं पर आपको जब लिखने वाली बात हो जाएगी तो आप SDC को आप याद रखें, आर्टिकल 324 को आप हूबहू अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए SDC क्या होता है, आप इसको SDC करके याद रखें या फिर CDS बोलकर इसको याद रख सकते हैं। CDS जो कि डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम को अपियर होने के लिए। अब फ्रेंड्स, SDC का मतलब हो गया सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल। ठीक है, ये एग्जैक्ट वर्डिंग है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा है तो आप देखें, इट प्रोवाइड्स पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, इनको ये पावर दिया जाता है सुपरिंटेंडेंस का, डायरेक्शन का और कंट्रोल, जो भी इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसको सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल और डायरेक्शन और कंट्रोल के लिए। ठीक है, अब आइए इलेक्शन कमीशन में मेंबर्स कितने होते हैं, क्या इसका ढांचा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन के फिलहाल 3 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
ठीक है, एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि क्या ये तीन, दो इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज नॉट बाइंडेड कि देयर कैन बी ओनली थ्री मेंबर्स, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है कि तीन मेंबर्स ही होंगे। फॉर द टाइम बीइंग प्रेसिडेंट इसको टाइम टू टाइम फिक्स करते हैं एंड प्रेजेंट टाइम में अभी हमारे पास तीन लोग हैं, उसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर। अब ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है जीएस में, करंट अफेयर्स में, कि इलेक्शन कमिश्नर आपके कौन है? तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि आपके जो इलेक्शन कमिश्नर है फ्रेंड उनका नाम राजीव कुमार है, ठीक है। और दो जो इलेक्शन कमिश्नर है उनमें से एक का नाम ज्ञानीश है, ज्ञानीश कुमार, और दूसरे का डॉक्टर सुखवीर सिंह, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर्स के ये जो दो मेंबर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट आप याद रख सकते हैं, इलेक्शन का समय है तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि बताइए दो इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है। ये ऑड वन आउट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस व्हिच अमंग ऑफ देम इज नॉट अ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसमें आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें चार ऑप्शंस हो सकते हैं, इन दोनों का इनमें से किसी एक ऑप्शन आपको मिले तो आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछ ले तो फिर काफी इजी हो जाएगा, उसका आंसर हम लोग राजीव कुमार कर देंगे। चलिए अब हम लोग इसके बढ़ते हैं, इनको क्या सैलरी मिलती है, क्या परक्विसाइट्स मिलते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही सैलरी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में, अब इनका टेन्योर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इनका टेन्योर 6 years या 65 years दोनों में से जो भी टर्म पहले आ जाए इनका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। अगर 65 साल के ये हो गए तो वो रिटायर कर जाएंगे, या फिर अगर 6 साल होगा अगर इनका हो गया ऑफिस में तो इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, ठीक है, दोनों में से जो पहला आ जाए। अब रिमूवल की बात करें तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही कहा, अपने वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में कहा कि इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी और ये परमानेंट बॉडी होता है, तो इसी वजह से इसको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता, इसको हटाने का एक प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर कैसा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर यहां फॉलो करता है, उसमें प्रेसिडेंट जो है फ्रेंड्स इनको रिमूव किया जा सकता है। प्रेसिडेंट एक ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा टू दैट इफेक्ट बाई बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों जो पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस होंगी, दोनों सदन होंगी, उनके स्पेशल मेजोरिटी के साथ, किस ग्राउंड पे, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, दो कंडीशन होता है, इस कंडीशन के आधार पर इनको रिमूव किया जा सकता है बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। अब आप बात करें ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, तो फ्रेंड्स स्पेशल मेजोरिटी की जब हम बात करें तो स्पेशल मेजोरिटी में दो कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन ये कि 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे और वोट करेंगे, आप चीजों को समझ रहे होंगे बिल्कुल। और ठीक ऑन द अदर हैंड दूसरा कंडीशन ये है कि टोटल जो स्ट्रेंथ है हाउस का उसका 50% का अटेंडेंस उस पर्टिकुलर दिन में, जिस दिन रेजोल्यूशन ये पास हो रहा है फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी भी आप समझ रहे होंगे, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का अटेंडेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इलेक्शन कमीशन के टेन्योर के बारे में जाने, इनको रिमूवल कैसे करते हैं वो जाने, इनके स्ट्रक्चर को जाने, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हम लोगों ने जाना। अब हम लोग इनके स्पेशल पावर्स एंड फंक्शंस को समझते हैं, इनके पास क्या अतिरिक्त पावर और फंक्शंस होते हैं। तो फ्रेंड्स इनके फंक्शन में आप देख रहे होंगे, पहले पॉइंट में लिखा है टू प्रिपेयर पीरियोडिकली रिसीव इलेक्शन रोल्स एंड टू रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स। तो आप जिस तरीके से देखते हैं कि अभी जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है फ्रेंड, तो कौन कौन लोग, कौन कौन से मेंबर्स जाके वोट करते हैं, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रोल रोल पे अपडेट होता रहता है मेंबर्स का, वोटर्स का लिस्ट, वो काम हमारा इलेक्शन कमीशन का है। 18 साल के आप जैसे ही हो जाते हैं, आप इलेक्शन में वोट को कास्ट करने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो अपडेशन पीरियोडिकली करने का काम हमारा इलेक्शन कमीशन का होता है। दूसरा, नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शन एंड टू स्क्रूटिनाइज द नॉमिनेशन पेपर। अब इलेक्शन जो होना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डेट, एक तिथि फिक्स की जाती है, तो उसका जिम्मेवारी हमारे इलेक्शन कमीशन को होता है, और जितने भी कैंडिडेट्स जो जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है उसको स्क्रूटिनी करने का पावर या फंक्शन जो भी आप समझे वो हमारे इलेक्शन कमीशन के पास होता है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अब आइए तीसरा पॉइंट,
यहाँ पर आप देखते होंगे कि इलेक्शन में सिंबल्स ग्रांट किए जाते हैं फ्रेंड्स, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना यूनिक सिंबल होता है, जैसे कि आप कमल फूल देख सकते हैं बीजेपी का, कांग्रेस का हाथ छाप देख सकते हैं आप, झाड़ू छाप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी, जिसके कि स्टेट कन्वेनर हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये सारे जो पॉलिटिकल इलेक्शन के सिंबल्स होते हैं, इनको मान्यता देने का काम हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, अब आइए चौथे पॉइंट में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास क्वासी जुडिशियल पावर्स भी होता है। तो कैसे क्वासी जुडिशियल पावर्स होता है मैं आपको बताऊं, ये कोर्ट की तरह काम करता है फ्रेंड्स, इट एक्ट्स एज अ कोर्ट। अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन, तो यहां पर ये कोर्ट का काम करता है। चलिए अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊं, इससे अपार्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं कि अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, तो दैट टाइम रिमेंबर इलेक्शन कमीशन विल नॉट रिजॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इन दैट केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉर्टिंग ऑल द डिस्प्यूट्स रिलेटेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चीजों को आप समझ रहे होंगे। कहने का मतलब अगर मैं हिंदी में से बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट तय करती है अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हमारे राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में होता है, तो उसका डिस्प्यूट सॉल्व करने का जो जिम्मा होता है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होता है, ना ही इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक है, तो ये इसके स्पेशल पावर्स हो गए। अब आते हैं हमारे इसके इंपॉर्टेंट अदर पावर्स में। तो इसमें फ्रेंड्स ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं। किस वजह से एडवाइस कर सकते हैं, तो ये एडवाइस कर सकते हैं जो मेंबर्स होते हैं उनके कैंडिडेचर को आप डिस्क्वालीफाई करने का जो काम है, जो एडवाइस ये हमारा इलेक्शन कमीशन देता है। ठीक है, पार्लियामेंट में जिस तरीके से लोकसभा में मेंबर्स आते हैं इलेक्ट होके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मेंबर्स आते हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो एडवाइस होता है क्रमशः रिस्पेक्टिवली टू द प्रेसिडेंट इन द सेंटर एंड गवर्नर टू द स्टेट इज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन और भी कई सारे पावर्स एंड फंक्शंस हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से मैंने उसको यहां पर नहीं आपके सामने प्रेजेंट किया हूं। ये उतने सारे पॉइंट्स हैं दैट इज वेरी मच रिलेवेंट टू योर एग्जाम्स और जो कि आपको जरूरत पड़ने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, अगर आप कहीं पर भी किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं। ठीक है, और आप मेंस लिख रहे हैं, आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो उसके लिए ये सारे जानकारी आपके लिए काफी होगा। और मैं इसको बता दूं आपको कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 1-4 का मैंने आपको जिक्र किया एसडीसी, आप बिल्कुल कुछ की पॉइंट्स कीवर्ड्स को आप याद रखें, एसडीसी एग्जाम में आपको मेंस राइटिंग लिखने में आपको बहुत सुविधा होगी। तो ये आपका इलेक्शन कमीशन आज यहीं पर खत्म होता है। अब फ्रेंड्स ये टॉपिक काफी छोटा है बट येट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और चूंकि इलेक्शन अभी चल रहे हैं तो इट्स वेरी लाइकली दैट इन टॉपिक आपको क्वेश्चन देखने को मिले। इधर बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन मिल सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, या हो सकता है कुछ इससे क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उससे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स कैसा लगा होगा आप जरूर हमें बताएं, आपके सजेशन बिल्कुल वेलकम है हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो का फायदा सब सारे लोगों तक पहुंच पाए। और मैं बता दूं कि हमारा फ्रेंड सिविल कोर्ट पे सीरीज चल रहा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो हमारा टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप सब में आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप बिल्कुल इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।